जगह मजा आया। देखो आसपास कितना खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है हमें, और ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर। ये हमें यहाँ पर बड़ा टास्क है इन बाइकों को इस नदी से बाहर निकालना। और देख सकते हो कितना ये पूरा पत्थर है बहुत सारे बड़े। तो बोलेगा इधर अच्छा है, आ जाओ। तो कुछ ऐसी जगह पर पहुंचे हम, यहाँ पर रख दिए हैं बाइकें, और यहाँ से नदी देखो बह रही है और पत्थर देखो एक। चलो भाई वाटर क्रॉसिंग, अपनी लेह लद्दाख की वाटर क्रॉसिंग कर ली हमने। अरे भाई साहब नीचे कांटे ना हो, क्योंकि पंचर से बच। हाँ तो ऐसा ही करते हैं, चली जाएगी वो। अपन ये जो ऑफ रोड वाला रास्ता था ना, वो पूरा एक रास्ता कंप्लीट करता है, उसके बाद आईडिया आएगा। सो हेलो गाइस, दूसरा रास्ता दोबारा से भटक गए। वापस से चलते हैं उधर ही। भाई आपकी 25 भी जाती है, मेरी 18 जाती है खाली। देख तो पीछे जाएगी। तुम्हारी बीच में खड़ी है, हटाओ उसको। चलो भाई फिर से वही रोड पर जाते हैं, उधर ही है अपना जो है देखने का नजारा लोकेशन। हेलो आ जाओ प्रदीप भाई, निकलते हुए अपनी राइडर को उड़ाते हुए राइडर बन के। अरे भाई बढ़िया है, चलो वापस से उसी रोड पर। इस बार रास्ते को आगे तक नहीं लेके गए, पूरा नहीं किया कवर, तो अब हम यहाँ पर इसको पूरा ख़त्म करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ ले जाता है, वो नदी के पास ले जाता है या फिर किसी और जगह ले जाता है। अपने को तो बस नज़ारे देखना है, कहीं पर भी ले जाए। बाकी रोड की हालत यहाँ पर बहुत ही ख़राब है, पूरी बाइक स्लिप हो रही है, ढलान पर ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसे फ्लैट चढ़ते हैं तो नहीं हो रही, आराम से चलती है। टेलान पर क्या पीछे का टायर जो है थोड़ा घूम रहा है, टेढ़ा हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा कि मैं गिर जाऊं, सही से हो रहा है कंट्रोल। और ब्रेक तो यहां पर नहीं लगानी है अपने को, हल्की हल्की से मैं पीछे दबा रहा हूं ब्रेक, अगर ज़ोर की दबाई तो गए, लेकिन लोकेशन एक नंबर। ओ यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं पिकनिक पॉइंट, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कचरा भी किया हुआ है लोगों ने, तो ऐसा मत करो यार, इतनी खूबसूरत जगह पर कचरा क्यों करते हो, कैसे तुम्हारा दिल मान जाता है कि यहाँ पर कचरा करते हैं हम। ओ भाई नदी आई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ पानी चालू है भाई, पैर नहीं लग रहा। चलो भाई वाटर क्रॉसिंग, अपनी लेह लद्दाख की वाटर क्रॉसिंग कर ली हमने। अरे भाई साहब फोर्थ गियर में चल रही है, तो तीसरे में डाल देते हैं। भाई साहब कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है, ऑफ रोड है अच्छा खासा।
कांटे ना हो, क्योंकि पंचर से बचाना है अपनी बाइक को। ओ भाई पता नहीं कहाँ कहाँ आ गए हम। इधर भी पानी बह रहा है, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। ले लद्दाख तो नहीं जा पाए, यहाँ पर वाटर क्रॉसिंग कर लेते हैं। ये अपने लद्दाख से कम है क्या? लद्दाख से भी ऊपर है अपना ये कच्छ भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जो लद्दाख में भी नहीं देखने को मिलेंगे। पर जा कहाँ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा हमें, मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। वाटरफॉल देखने जा रहे हैं या फिर क्या देखने जा रहे हैं? अब यहाँ से कहाँ? अगर पता होता कि ऐसा रोड है तो मैं अपनी रंगीली ले आता, वो तो इस पर शाय शाय करती हुई निकल जाती। लेकिन इसको नहीं निकल नहीं सकता क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस छोटा है भाई। भाई A few moments later. तो कुछ ऐसी जगह पर पहुंचे हम, यहाँ पर रख दिए हैं बाइकें और यहाँ से नदी देखो बह रही है और पत्थर देखो एकदम खूबसूरत पत्थर। और अब हमें जाना है इस साइड, हेलमेट वगैरह ले लिया है तो इस साइड जाते हैं और आगे दिखाते हैं क्या है सीन। आ गया फिर से। हेलो गाइस, यहाँ पे प्रदीप भाई आ गए और यहाँ पर कुछ ऐसी व्यू मिलता हुआ हमें लोकेशन का। अभी तो और भी आगे जाना है। अरे ऐसे पैर तो कभी नहीं देखे भाई कच्छ में अपने। और पूरा सामान लेके मैं निकल रहा हूँ, सारे ने सामान ले लिया है। बाकी यहाँ से पानी भी बहता हुआ दिख रहा होगा आपको और बालों की हालत खराब हो चुकी है पूरी। साइड का असली मजा लेते हुए मुकुल भाई पानी में आप सो जाओ यहाँ पर। मोबाइल दे दो मुझे। फाइनली ऑफ रोड मशीन एक्सपल आती हुई यहाँ पर और एमटी भी साथ में और यहाँ पर बैठ चुके हैं सब। हेलो गाइस, कर रहा है कचरा इधर पेज कैंसिल हो गया। कैंसिल कर दिया। ये मजे लेते हुए भाई, ये मुकुल भाई का दिख रहा है इतना ही है। ये देखो भाई जा रही हो बजाने वाले, दिखेगा इतना ही है। अभी यहाँ पर इस साइड जो पानी कुछ इस तरह है एकदम क्लियर, पत्थर भी दिख रहे होंगे नीचे। और आगे तक अभी जा रहे हैं हम, बाइकें वहाँ पर है और हम जा रहे हैं आगे। यहाँ पर पत्थर देखो भाई, पूरा पथरीला इलाका है। आगे भी सीन्स मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फाइनली हम पहुँचे हैं ऐसी जगह पर, यहाँ पर एक पहाड़ है जिसमें बने हुए छेद वगैरह और यहाँ पर बैठ चुके हैं आधे लोग। और इस साइड कुछ ऐसा पानी बह रहा है एकदम क्लियर। और प्रदीप भाई हंसते हुए और यहाँ तक गीला हो चुका हूँ पूरा। गाइस बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे आओ पर अकेले मत आओ, बस वरना तो अपने जैसे 10 को लेके आओ, वरना उठाने वाला कोई नहीं होगा। उठाने वाला गिर गया तो उठाने वाला कोई नहीं होगा, संभलने के लिए हमें कुछ नहीं है। तो सेशन चलता हुआ मिश्रा भाई का
बताओ कितने फोटो खिंचवाए तुमने। तो चलिए गाइस अब चलते हैं इस साइड। चलो तो इधर भी कोई लोकेशन है तो देखते हैं अंदर क्या है। बैठ जा भाई। वाटरफॉल छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा वाटर चालू करनी पड़ेगी। सवाल के भाई फोन अंदर रखो भाई फोन अंदर। आ जाओ आ जाओ भाई हाथ पकड़ूं क्या? जो आगे जाना वही फोन रखे बाकी पीछे वाले फोन मत रखे। चलो भाई। ओ भाई साहब जैसे आगे जा रहे हैं वैसे लोकेशन चेंज हो रही है और बढ़िया सी लग रही है यहाँ पर व्यू कुछ ऐसा। तो आगे इससे जो है खुली खुला दिख रहा है आसमान खुले झाड़ियाँ नहीं है इधर तो देखते हैं इधर जाते हैं आगे मैं जाता हूँ थोड़ा आगे बाकी कुछ ऐसा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है ये नदी पूरे पत्थर पत्थर हैं मिट्टी नहीं है। यहाँ पर देखो भाई क्या मस्त लोकेशन बहुत ही खूबसूरत लोकेशन को एक्सप्लोर करने आए हैं हम आज। तो यहाँ से ड्रोन अब यहाँ से ड्रोन शॉट दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। गाय हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना। सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। अब तो आ रहा सदास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। हेलो गाइस यहाँ से निकलते हैं अब वापस बाहर और काफ़ी अच्छी नदी थी ये अच्छा खासा यहाँ पर टाइम निकाला हमने और आ चुके हैं इस साइड कुछ खुले में पानी भी यहाँ पर बह रहा है और आधे जूते वगैरह गीले हो चुके हैं क्योंकि पानी में भी थोड़ा बहुत चलना हुआ लेकिन नहाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। बाकी चलते हैं और क्या ही मस्त लोकेशन है यहाँ पर। अगर आपको आना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप देख सकते हो फिर आ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये भाई ओम मिश्रा कुछ बोल रहे हैं लिंक मैंने दिया गाइस मेरे को डीएम करना मेरी इंस्टा आईडी कैप्शन में डाल देना भाई मैं आपको लिंक दूंगा यहाँ लोकेशन की मैंने फाइंड की लोकेशन हाँ डाल दूंगा इसकी इंस्टा आईडी डाल दूंगा फॉलो कर लेना इससे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट मेरे साथ देखने को मिलेंगे बराबर ही वो भी हमसे। चलो भाई निकलते हैं आगे बाइकों की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं आप क्या कहाँ जाते हैं। बाकी जगह बहुत मस्त है भाई मज़ा आ गया। फाइनली बाइकों के पास आ चुके हैं और पानी देखो कितना क्लियर पानी है भाई
કરતા કે પ્લાસ્ટિક નથી નાખતા અને જાન પ્રકૃતિને અલગ અલગ જગ્યામાં જઈને માનતા હોય છે. હા ડાલ દો ઇધર. આવા ગ્રુપની જરૂર છે. यहाँ पर बड़ा टास्क है इन बाइकों को इस नदी से बाहर निकालना. और देख सकते हो कितना ये पूरा पत्थर है बहुत सारे बड़े बड़े, तो इनमें से बाइक को निकालना बहुत मुश्किल काम होने वाला है. तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल मैं दिखाता हूँ. एक्सपल तो खैर आसानी से निकल जाएगी, लेकिन एमटी और एक और बाइक है वो थोड़ी दिक्कत करने वाली है यहाँ से. बाकी ये देखो भाई, पानी देखो एक बार, एकदम क्लियर भाई. देखो भाई एक्सपल दौड़ाते हुए मुकुल भाई, और एमटी यहाँ पर निकलती हुई आराम आराम से, और मित भाई पीते हैं. बाकी इसरा भाई क्या कर रहे हो, वीडियो रील? भगाओ भगाओ. अभी जगह बहुत बढ़िया है, मजा आ गया इधर. ओके अब देखते हैं कहाँ जाते हैं. फुल ऑफ रोडिंग. और ये अपना न्यू हेलमेट जिसके ऊपर काफी सारे मच्छर लग चुके हैं. सुबह बहुत था ऐसा मौसम, मच्छर ही मच्छर आ रहे थे. और वहाँ पर मीत भाई सेटलिंग करते हुए FZ को लेकर ये निकले आगे, और MT यहाँ पर फोटो शूट करती हुई. फुल ऑफ रोड, खतरनाक ऑफ रोड. बाकी MT उधर से इधर से. चलो भाई MT गई MT पानी में. गई भैंस पानी में नहीं, गई MT पानी में. मुकुल भाई मेरी गाड़ी निकाला नहीं निकाला, वो तो उड़ा के ले गए. खाली बैठ के लीवर से अटक गए. गाड़ी कहाँ जा रही है? रिटर्न आ रहा है, टॉचिंग करेंगे. फुल मजे ही मजे. इसरा पहाड़ के ऊपर चढ़े गया इधर, इस ऊपर कितना ऊंचा है भाई? कितनी हिम्मत है मेरे में? बहुत ही ऊंचा पहाड़ है. मैं मानता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये नहीं कर सकता. बस हवा निकल गई. तू मैन वर्सेस वाइल्ड. नहीं, मैन वर्सेस बाइक. फोटो सेशन वंस अगेन. चलो मैं आगे चलता हूँ, बाकी ये लोग आ जाएंगे तो फिर देखते हैं आगे क्या सीन है. चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है भाई. खाली ऐसे दूर से अरे चढ़ जाएंगे यार, इतना भी ऊपर नहीं है. ओ हट जाओ भाई, उड़ा देंगे वरना. यहाँ पर देखो भाई, हटो हटो हटो. फुल मजे ही मजे. 1500 की टायर लगा के भाई फुल मौज मस्ती है. हमें भी ले आना था बाइक को. नहीं नहीं भाई, अपने को नुकसान करेगी तो जाओ उधर भाई, खींचो धक्का दो. फंस गई आ रही है. गए जूते खराब हुए भाई, मिश्रा जूते खराब हो गए. A few moments later. निकल रहे हैं. अब बड़ा टास्क है इसको ऊपर चढ़ाना. चलो भाई निकल गए फाइनली, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर. अब देखते हैं, थोड़ा सा रोड है ना ऐसा, तो आराम आराम से आना पड़ेगा. गर्मी हो रही, थोड़ा वाइजर खोल देता हूँ. अरे बाप रे कितना बज गया, वही तो 11 बज रहे हैं यार, 10 मिनट कम है अभी तो. ठीक है, लेकिन लोकेशन बढ़िया थी, मज़ा आया यहाँ पर. इधर कहीं बैठते ना तो और भी मज़ा आता. चलो यहाँ पर बाइक का एक आध फोटो वगैरह खींच लेता हूँ बढ़िया सा, उसके बाद मैं चलूँगा आगे.
चल दो भाई निकल जाए। चलो भाई आज कोई वीडियो एंड बेंड नहीं किया, ना ही कुछ बोला कि एंड कर रहा हूँ, बस ऐसे बनाए जा रहा हूँ। वो सब एंडिंग में ही मैं कर दूँगा, एडिटिंग में ही कि वीडियो एंड हो रहा है तो वॉइस नोट शायद करूँ, वॉइस रिकॉर्ड करूँ और उसके बाद फिर एंड कर दूँ वीडियो को। बाकी अच्छी जगह मज़ा आया, देखो आसपास कितना खूबसूरत सा व्यू मिल रहा है हमें, और ऐसी जगहें एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर, ये हमें पता भी नहीं था, जब लोगों ने एक्सप्लोर किया तभी पता चला कि यहाँ पर ऐसी भी जगहें हैं खूबसूरत। बहुत सारे लोग आ रहे थे, कैंपिंग वगैरह भी कर रहे थे, तो मज़ा आया, अच्छी जगह पर एंजॉय कर रहे हैं लोग। अब फिर से वहीं पर चल रहे हैं क्या, किधर जाना है, सो फाइनली मैं पहुँच चुका था घर, तकरीबन दो बजे पहुँचा और उसके बाद काफ़ी के मस्त हो गया। अभी जस्ट उठा हूँ और फिर देखा कि मैंने वीडियो तो एंड किया ही नहीं है, तो चलो यहीं पर एंड कर देते हैं वीडियो। वैसे ये वाले वीडियोस मैंने बिना एंड कर दिए थे, तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं हमें ऐसे ही नए और व्लॉग्स के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।